तो दोस्तों आज हम न्यू लेक्चर के साथ मिल रहे हैं आप लोगों के साथ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम कुछ बताए हुए हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो पिछला लेक्चर देख के आप पढ़ना शुरू कीजिए तो अच्छे समझ में आएगा, और इस लेक्चर में भी हम कुछ बताते हैं कि एपी जो होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, इसको हम डील करेंगे। डील करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो क्या क्या चाहिए वो भी बताएंगे। जैसे डील करने के लिए क्या क्या चाहिए, पहली बात तो ए हमको रहना चाहिए कॉमन डिफरेंस, एंटर ए एन एस एन, ठीक है, और फिर इस ए एन को हम टी एन भी लिखते हैं, ठीक है, इसमें घबराना नहीं कि यार ए एन टी एन क्या होता है। एपी में हमारा यही सब आता है, क्या है एपी में, हम इसी सब के बारे में डील करेंगे, ठीक है, इस सब के बारे में तो बताएंगे हम आज किस तरह से उसके बारे में डील करना। देखो दोस्तों, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी A1, A2, A3, AN तक is said to be in AP। अगर एक सीक्वेंस दिया है इस टाइप में तो क्या कहेंगे हम AP, ठीक है। तो AP का फर्स्ट टर्म हमारा क्या होगा A1 होगा, सेकंड टर्म क्या होगा A2 होगा, थर्ड टर्म क्या होगा A3, और nth टर्म क्या होगा तो AN equal to nth टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम, लास्ट टर्म बोल सकते हैं, जनरल टर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम आज लाए हैं कुछ एपी और इसका कॉमन डिफरेंस आप लोग को निकालना है। अगर निकाल दे तो फिर बढ़िया बात है, नहीं निकाले तो फिर हम है ना निकालेंगे। तो दोस्तों हमें पक्का यकीन है कि आप लोग निकाल लिया होगा, और नहीं निकाले होंगे तो फिर देख लीजिए, लेकिन हमें यकीन है कि आप लोग निकाल लिए होंगे, फिर भी बना देते हैं। क्या है देखिए, एपी दिया हुआ है 147। पहले ये चेक कीजिए ये एपी है, कैसे चेक करेंगे, तो फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे, कितना 4 में से 3 घटाएंगे तो 3, 7 में से 4 घटाएंगे 3, 10 में से 7 घटाएंगे 3, 13 में से 10 घटाएंगे 3, यानी क्या सबका कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या जाएगा हमारा 3, कॉमन डिफरेंस 3 आ जाएगा, ठीक है। सबका जिसका अगर सबका डिफरेंस सेम आ रहा तो एपी है, सबका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो एपी नहीं है, ठीक है। देखिए 15 में से 5 20 घटाइए घटेगा घटेगा -5, 10 में से 15 घटाइए घटेगा -5, इसी तरह अगर घटते गया एपी में और कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा तो हमारा एपी है, क्या इसमें घटाने से हमको क्या आ रहा कॉमन डिफरेंस बताइए, तो -5 लिखिए कॉमन डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें घटाइए तो ये बताइए एपी में है कि नहीं है, एपी में नहीं है, है नहीं है, है एपी में है, 4 4 4 इसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा 0। तो दोस्तों घबराना नहीं है, हर सवाल का जवाब आएगा और उतार लीजिए आप लोग, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। तो दोस्तों हम कुछ प्रॉपर्टी लिखा रहे हैं, आप लोग लिखिएगा, ठीक है, इस एपी का, एपी का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अगर वो लिख दिया तो फिर क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। देखिए यहां पे क्या है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू कोई भी टर्म लो, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म में से, प्रीसीडिंग टर्म मतलब क्या हुआ, प्रीसीडिंग टर्म मतलब हुआ जस्ट पहले, जस्ट पहला टर्म, यानी कि जैसे कि मान लेते हैं 1 2 3, तो प्रीसीडिंग टर्म निकालना हमको क्या करेंगे हम, जैसे कि हमको क्या है प्रीसीडिंग टर्म निकालना है ना, प्रीसीडिंग टर्म मतलब जस्ट पहला, और यानी कि एक नहीं पे हो प्रीडेसर और सक्सेसर, सक्सेसर मतलब क्या होता है एक जुटना, प्रीडेसर मतलब होता है घटना, बस इसी तरह अगर कोई एपी है, कोई एपी है उसमें से कोई भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म, यानी कि कोई भी टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म घटाओगे ना उससे पिछला टर्म घटाओगे, कोई भी टर्म में से पिछला टर्म घटाओगे कॉमन डिफरेंस आएगा, ठीक है। और एनी टर्म से माइनस कॉमन डिफरेंस, कोई भी टर्म में से अगर कॉमन डिफरेंस हम घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे प्रीसीडिंग टर्म, कोई भी टर्म में से कॉमन डिफरेंस घटाएंगे तो जस्ट पिछला टर्म आएगा तो उसी कहेंगे प्रीसीडिंग टर्म। अगर एनी टर्म कोई भी टर्म में प्लस करेंगे कॉमन डिफरेंस तो क्या आएगा आप बताइए, सक्सेसिंग टर्म, क्या आएगा सक्सेसिंग टर्म। फिर देखिए अगर ए बी सी आर इन एपी, थ्री सीरीज में दिया है एपी, तो क्या करना देखिए, अगर ए माइनस बी करेंगे तो सी माइनस बी सेम आएगा, ए बी प्लस बी ए प्लस सी सेम, 2ab = ac, यानी कि अगर थ्री टर्म दिया है तो हम बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं 2b = a + c, तो ट्वाइस ऑफ मिडिल इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम, क्या लिखे ट्वाइस ऑफ मिडिल इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम। और दोस्तों हम ये भी बता दें कि अगर कोई एपी है उसमें अगर हम कोई भी जैसे कि हम कोई सेम नंबर ऐड करेंगे तो वो भी एपी ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इस बात को भी आप लिख लीजिएगा, क्या है एनी टर्म्स एडिंग सेम नंबर, जैसे कि हम मान लीजिए एपी हमारा
A1, A2, A3 .. तक, ठीक है। ये हमारा एपी है, आर एपी, ठीक है, ये हमारा एपी है, ठीक है। इसमें अगर हम कोई भी टर्म जोड़े, माने के जोड़े, के ए टू, के ए थ्री, के डॉट 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 ए एन के, आर क्या रहेगा, ये भी एपी ही रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी टर्म जोड़े, सेम टर्म जोड़े तो एपी ही रहेगा, सेम टर्म घटाए तो भी एपी रहेगा, और सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, एपी हो भी सकता है। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे भी एपी होगा, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, एपी। और फिर सेम नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो, सेम नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो क्या एपी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता क्या, नहीं। अगर सेम नंबर से हम डिवाइड करते तो भी एपी होगा, बट जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिस नंबर से डिवाइड करेंगे वो जीरो नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर हम कोई दूसरा एपी लेते हैं और कोई तीसरा एपी लेते हैं, ठीक है, उस दोनों को जोड़ के एक नया एपी बनाएंगे तो क्या उसमें भी एपी होने का चांस रहेगा कि नहीं, वो भी एपी होगा। और दूसरे टर्म, दूसरे एपी में से दूसरे एपी घटाएंगे तो भी एपी होगा, और इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करने में चांस होता भी है, नहीं भी होता, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं आगे। तो दोस्तों, जब कहना व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ऑड, जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड रहेगा तो हम इसको एपी में किस तरह लिखेंगे, तो वो आज हम सीखेंगे। अगर कोई नंबर है, ठीक है, वो ऑड में है, तो उसको किस तरह लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए टर्म जो रहेगा हम उसको लेंगे, फर्स्ट टर्म को लेंगे, ठीक है। फर्स्ट टर्म में से ये हमारा क्या, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस, एडिंग ऑफ कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है। माइनस कॉमन डिफरेंस तब क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है। तो इधर कॉमन डिफरेंस हम ऐड करते जाएंगे तो क्या निकलेगा हमारा, जैसे कि हमको निकालना है ऑड नंबर ऑफ फाइव टर्म निकालना, ठीक है, फाइव टर्म निकालना है तो किस तरह निकालेंगे हम, देखो पहला ए लिखे, उसके बाद क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जोड़ देना है, ए प्लस कॉमन डिफरेंस को हम किस तरह दर्शाएंगे, डी से, ठीक है, ए प्लस डी, और इधर क्या लिखना है, कॉमन डिफरेंस घटाना है, ए माइनस डी, ठीक है। जब इधर लेंगे एक टर्म इधर भी लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर ले लिए इधर छोड़ दिए, इधर नहीं, अगर एक इधर लिए तो एक इधर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हो गया हमारा कितना, थ्री टर्म निकला, तो फाइव टर्म निकालना है, क्या रहेगा, ए प्लस टू डी, ए माइनस टू डी, हो गया हमारा फाइव टर्म। इसी तरह अगर हम कहेगा नाइन टर्म निकालिए, इतना टर्म निकालिए, उतना टर्म निकालिए, आसानी से निकाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट में मिलते हैं, क्या कह रहा है, बी नंबर में है, When number of term is even, number of term is turn in even, जब नंबर ऑफ टर्न इवेंट रहेगा तो उसको किस तरह लिखेंगे, देखो ए लिखना है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, नहीं अगर इवेंट है तो इसमें हमको दो टर्न लेना है, कौन, एक लेना है ए, एक लेना है ए माइनस डी, कितने टर्न लेंगे, दो टर्न, कितने टर्म लेंगे, दो टर्न, एक ए, ए माइनस डी, ठीक है, ए प्लस डी, ए माइनस डी लेना, सीधा बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ए नहीं लेना, ठीक है।
मिडिल टर्म हमें किसको मानना है, ए माइनस डी और ए प्लस डी, इसको मानना है मिडिल टर्म, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इससे आगे बढ़ना था, आगे किस तरह बढ़ाएंगे वो बताते हैं। दोनों क्या मानेंगे, मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो अब करना है क्या, बस इधर इधर हो गया, अब टू डी टू डी दोनों तरफ जोड़ दो, ठीक है। अगर इधर टू डी जोड़ोगे क्या होगा, देखो न्यू एक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है, हम इवेंट लिखते सिक्स नंबर लिखते इवेंट का, ठीक है। क्या लेगा, पहले पहली बात मिडिल टर्म लिखो, ए माइनस डी ए प्लस डी, ठीक है, ए माइनस डी ए प्लस डी हो गया। और फिर क्या करते हैं, 2d जोड़ना है, 2d जोड़ना है, क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, इधर क्या हो जाएगा, a माइनस 3d, कितना हो गया, 1 1 2 3 4, a प्लस 5d, a माइनस 5d, तो ये हमारा क्या हो गया, 6 टर्म हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, इवेंट टर्म को दिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, थैंक्स। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम फिर न्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, और क्वेश्चन बेस्ड क्या है कहते हैं, मतलब फॉर्मूला दिया हुआ है और उस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हमको निकालना है, जांच करना है, चेक करना है कि वो एपी में रहता है कि एपी में है कि नहीं। यहाँ देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, TN इक्वल चेक कीजिए कि TN इक्वल टू इतना R इन AP, ये AP है, तो हमको क्या देखिए यहाँ पे नोट करके ये लिख दीजिएगा, क्या है, TN में से TN माइनस 1 अगर घटाएंगे, तो अगर कांस्टेंट टर्म आता है तो सोच लीजिए कांस्टेंट टर्म आया यानी कि वो AP में है, अगर नहीं आया तो वो AP नहीं है, समझे। TN में से TN माइनस 1 घटाएंगे, अगर कांस्टेंट टर्म आया तो क्या है, AP है, नहीं तो AP नहीं है, क्लियर बात। तो हम देखिए चेक करते हैं, TN दिया हुआ है, हम TN माइनस 1 निकालते हैं, TN माइनस 1 यानी कि n के जगह पर हम क्या रखें, माइनस 1, तो हर n के जगह पर क्या रखें, माइनस 1, 4 माइनस 5 n माइनस 1, ठीक है। तो क्या जाएगा, TN माइनस T इक्वल टू 4 माइनस 5 n माइनस 1, ठीक है। अब क्या करते हैं, TN, TN इक्वल टू T को उधर ले जाते हैं, ठीक है, TN और TN माइनस 1, ठीक है। तो T को क्या करते हैं, उधर ले जाते हैं, उधर नहीं। तो दोस्तों हमको TN माइनस 1 निकालना था, तो TN माइनस 1 क्या किया हम, देखो यहाँ पे 4, तो 4 n के जगह पे क्या रख दिया, n माइनस 1, ठीक है। तो क्या किया, 4 माइनस 5 n माइनस माइनस प्लस प्लस 5, तो क्या हो जाएगा हमारा, TN माइनस 1 इक्वल टू, इसको फिर कर दिया, TN माइनस 1 क्या आ गया, 5 4 9, 9 माइनस 5 है, ठीक है। तो क्या आ गया, TN माइनस 1 इतना आ गया। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करने के लिए TN माइनस घटाएंगे, ठीक है। तो TN हमारे पास कितना है, 4 माइनस 5 है, अब घटाना किसको है, माइनस 9 माइनस 5 है, ठीक है, इसको घटाना है। तो देखो 4 माइनस 5 एन माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 5 एन, ठीक है। तो क्या हो गया हमारे पास, माइनस 5 एन और प्लस 5 एन कैंसिल, 9 में से 5 क्या गया, माइनस 5, यानी कि क्या, माइनस 5 आया। अगर इसमें n टर्म, n वाला टर्म आता तो क्या होता, ये कांस्टेंट नहीं होता, कांस्टेंट नहीं होता तो ये एपी नहीं होता, लेकिन इसमें क्या है, माइनस 5, यानी कि कांस्टेंट टर्म आ गया, इसका मतलब क्या है, ये एपी है। तो दोस्तों इस टाइप का सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे आएंगे, तो हम एक करा के दिखा दिए आप लोगों को, और ताकि आप लोग को जोश जागे और तुरंत क्वेश्चन देखे और तुरंत क्वेश्चन बनाना शुरू करे। तो उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं हम। तो दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इन एपी का हम लाए हैं, और उसको आप लोग को लिखना है और याद करना है, और ऐसे नहीं बोल दिए सुन लिए,
बोल दिए, सुन लिए और लिख लिए, याद कर लिए, तब होगा मजा पढ़ाई करने में। ठीक है, पढ़ाई करने में क्या है, पढ़ाई करने में मजा लाना है। किस तरह से जो जाता है पढ़ाई करने में, काम जिस तरह से हम करते हैं, कितना मजा आता है काम करने में। साइकिल चलाते तो मन करता साइकिल नहीं चला रहे, ठीक है। इसी तरह अगर हम पढ़ाई करते हैं तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने में आदमी को बहुत दिक्कत होती है, आती है दिक्कत, दिक्कत आती है। दिक्कत किसको नहीं आती है, अगर दिक्कत नहीं आता तो इतना बड़ा बड़ा आदमी नहीं बन जाता। इसीलिए दोस्तों हम लोगों को चाहिए कि दिक्कत का ढकेल के काम करें, यानी कि दिक्कत को दिक्कत नहीं समझे, उसको समझे कि ये हमारे लिए आजमाइश है। ठीक है, तो हम देखिए इस फॉर्मूला को लाए हैं, सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला इन एपी। ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई टू इंटू ए प्लस एन। एल अगर लास्ट टर्म हमको दिया है तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, अगर लास्ट टर्म नहीं दिया है तो एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इस दोनों फॉर्मूला का यूज कब होगा, जब हमको एपी दिया रहेगा। ठीक है, तो एपी दिया रहेगा तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, हमको एन टर्म निकालना है, नंबर ऑफ टर्म कितना है, उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, और हम क्वेश्चन आएंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एपी का क्वेश्चन एक दिया हुआ है और इस तरह से हम ढेरों क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करना, आज तो ढेरों क्वेश्चन होगा लेकिन इसकी नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे। इसीलिए आज ये क्वेश्चन हमारे पास कहता है एपी मैथ का क्वेश्चन, एपी में है, इसका एन टर्म निकालना। अगर आप लोग निकाल दिया तो समझ गए कि आप लोग एपी पढ़ लिए, नहीं निकाले तो फिर बहुत गड़बड़ बात होगी। तो दोस्तों आशा है कि आप लोग निकाल लिए होंगे और इसका आंसर लगता है हमारे अंदाज 220 के करीब आएगा। देख लेते हैं क्या है, देखो पहले हमको बनाना किस तरह, ये देखना है, पहले हमको मटेरियल निकालना है। ए इक्वल टू क्या है, 13, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, 15 में से 3 गया 2, 17 में से 5 15 गया 2, कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब क्या निकालना है हमको, एन टर्म, यानी कि एन टर्म दिया हुआ है, एन इक्वल टू क्या है 451। ठीक है, हमको एन निकालना बहुत आसान है, एकदम चुटकी में निकल जाएगा यार। इस फॉर्मूला का यूज करो ना, फर्स्ट फॉर्मूला का क्या है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए हमारे पास ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, एक चीज नहीं दिया, आराम से निकलेगा यार। इसमें सोचना क्या है, 451 इक्वल टू ए क्या है हमारे पास, 13 प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है, 2। तो इस तरह इसको इसको इधर ले आओ, ठीक, घट जाएगा, कितना घटेगा, घटा दे क्या, घटा दो, 451 इक्वल टू 13 प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, 2n माइनस 2 तो इस में से घटा क्या हो गया, 11 बचाई। ठीक है, 11 451 इक्वल टू 11 प्लस 2n, इसको घटा दिया 13 में से क्या 11 बचा, 11 को इधर ले आएंगे क्या इसमें घट जाएगा क्या, 0, 4 में से 1 गया क्या होगा, 5 में से 1 गया तो 4 और ये 4 इक्वल टू 2n 20 20 n, तो n हमारा क्या निकल गया 220। तो दोस्तों ये हमारा आज का आंसर, n हमारा 222 निकल गया। पहले आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं बने तो इस सॉल्यूशन को देखना, ठीक है, उतार लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय, थैंक यू, थैंक्स अप, थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों को से।